थोड़ा सा अल्कोहल होगा, उस तरह के सब वर्शिपिंग थिंग्स ले जा करके सबसे पहले वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने के बाद अपना माथा भगवान के पैर में ऐसे टिकाया जाता है और उसके बाद ये रेड कलर अपने माथे में लेता है। पीपुल समझता है कि ये रेड कलर भगवान का आशीर्वाद है। वेलकम बैक टू पाथान रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर नेपाल गया था और नेपाल के अंदर काफी सारी व्लॉग्स वीडियोस बनाई थी, तो उसने एक वीडियो बनाई है ट्रेडिशनल पूजा ऑफ हिंदू इन नेपाल काठमांडू सिटी। काठमांडू सिटी के अंदर एक ट्रेडिशनल पूजा दिखाएंगे ये हमें वीडियो के अंदर, किस तरह पूजा होती है ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल वे से। मंदिर देख रहे हैं, ये 2015 के भूकंप से ये मंदिर भी गिर गई थी। ये 15वीं सदी में बनी थी और ये हिंदू मंदिर है, विष्णु भगवान के मंदिर। और पुराने समय में जब विष्णु भगवान, शिवजी भगवान, ब्रह्मा भगवान के समय होते थे, उस समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी आज की तरह नहीं था, तो जानवरों को वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज करते थे। और वो आगे में आप लोग देख रहे हैं उस तरह के, वो स्टैचू को गरुड़ा बोला जाता है। गरुड़ा हाफ बर्ड हाफ मैन है। सो विष्णु जी भगवान यही गरुड़ा पे सवार करते थे। अच्छा, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना वाटर स्पॉट, आपको जाके दिखाते हैं। तो ये भी काफ़ी पुराना है, कोई 12वीं 13वीं सदी का है। यहाँ पे ये जो पानी आ रहा है ना, ये ज़मीन से डायरेक्ट आ रहा है। इसकी बैक साइड पे कोई मोटर कोई नाल नहीं है। तो इसकी हिस्ट्री ये भी कोई 13वीं सदी की बता रहे हैं। इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है। ये देखें, पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होता है और नहाने धोने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होता है और ये डायरेक्ट ज़मीन से आ रहे हैं। तो पुराने वक्तों में क्या था कि जब नल वगैरह या दूसरा, अब तो आगे ना मोटरें वगैरह, उस टाइम मोटर वगैरह नहीं थी, तो ये लोगों ने डायरेक्ट ज़मीन से पानी जो है ना ऐसे ही इनके निकाल लिया था। ये इस तरीके से अभी ये कुछ यहाँ पर बंद हैं लेकिन कुछ के अंदर पानी आ रहा है। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। इसकी वजह है कि जब एकीकरण किए शाहबंश के राजा ने 17वीं सदी में, 19वीं सदी में दरबार के अंदर में से एक आदमी, बहुत ही चलाक आदमी, वो पावर में आ गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सब राज परिवार उसके कंट्रोल में था। इस तरह के शासन 104 बरस तक चला और इस शासन अवधि को राणा शासन बोलते हैं। उसी राणा शासन के एक प्रधानमंत्री इंग्लैंड में विजिट किया करता था और वो इंग्लिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बहुत प्रभावित हो गए और उसने सोच लिया क्यों ना ऐसी आर्किटेक्चर नेपाल में भी नहीं बनाया जाए। तो वहाँ से एक इंजीनियर ले आके ब्रिटिश आर्किटेक्चर यहाँ पर बना लिए। काठमांडू वैली के अंदर में इस तरह के आर्किटेक्चर जगह जगह में है। अभी वो सभी दरबार ब्यूरोक्रेटिकल ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेटिकल ऑफिस के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दरबार के रूप में ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। देखें कितने सारे यहाँ पे टेंपल्स हैं। भगवान है, बहुत बड़ी सी चेहरा, 4 बजे के बाद खुलेगा, उस समय फिल्म फिल्माएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सबसे बड़ा भगवान है ना, ये सबसे बड़ी मुंह वाली, अच्छा मूर्ति है। ये है जी हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे ये चिराग वगैरह जा रहे हैं और इनका कहना है कि नेपाली के लोग हैं कि इस सारे दरबार स्क्वायर की जो रखवाली है ना, वो यही हनुमान जी जो हैं इनकी मूर्ति कर रही है। और ये नीचे यहाँ पे जो आप लगाते हैं माथे के ऊपर तेल वगैरह। और ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है ना, ये अगर आप देखें इसे, ये देखें इसको सपोर्ट के लिए लकड़ियाँ लगाई गई हैं, यानी कि बहुत पुरानी है। और इसको गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी दराड़ें आ गई हैं, तो जब यहाँ पे जलजला आया था उसके बाद दराड़ें आ गई थी और इन्होंने इस बिल्डिंग को महफूज करने के लिए इसकी साइडों पर इस तरीके से ये सपोर्ट्स लगा दी हैं। वो दर्शन के लिए जाते हैं तो वो दूसरी तरह करते हैं। हिंदू लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं तो वो सब पूजा सामग्री लेकर के जाते हैं, जैसे फ्लावर हो गए, राइस हो गए, कलर हो गए, और थोड़ी सी वो कॉइन होगा, थोड़ा सा अल्कोहल होगा, उस तरह के सब वर्शिपिंग थिंग्स ले जा करके सबसे पहले वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने के बाद अपना माथा भगवान के पैर में ऐसे टिकाया जाता है और उसके बाद ये रेड कलर अपने माथे में लेता है। पीपुल समझता है कि ये रेड कलर
भगवान का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर ये मंदिर देख रहे हैं, ये काठमांडू दरबार स्क्वायर के सबसे ऊंची मंदिर है, 36.6 मीटर हाई। और ये मंदिर साल में एक ही बार खुलता है दशहरा के नवमी के दिन, बाकी समय ये बंद ही रहता है। पुजारी जाता है, पूजा अर्चना करता है। और यहाँ के कुमारी माता इसी मंदिर के अंदर में सेलेक्ट होता है और वो सेक्रीफाइसेस रिचुअल सब इसी पर होता है। यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद नंबर 25 टेंपल में जा कर के बाकी जीवन व्यतीत करते हैं। एक ही जगह के ऊपर तीन डिज़ाइन के मंदिर हैं, एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है। तो जो हमारे टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं कि ये जो है ये वाला नेपाली है और ये वाला मुस्लिम है और ये वाला इंडियन डिज़ाइन का मंदिर है और ये शिवाजी का दूसरा रूप है वो ये है सामने। अभी आपको नज़दीक से जाकर दिखाते हैं। यहाँ पे ये चिराग वगैरह जलाए जा रहे हैं और ये शिवा जी की दूसरा रूप है, ये देख लें इस तरह का। ये नेपाल का फ्लैग है, विश्व में ही ये डिफरेंट शेप का है, विश्व का स्क्वायर है, स्क्वायर होता है लेकिन नेपाल के ये फ्लैग ट्रायंगुलर है। और ये फ्लैग में बहुत से डिफरेंट मीनिंग है, ऊपर वाली ये सफेद वाली ये चंद्रमा हो गई और ये नीचे वाली ये सूर्य हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक चंद्र सूर्य रहेगा नेपाल देश रहेगा। और ये लाल कलर जो देख रहे हैं ये पावर को इंडिकेट करता है, शक्ति को इंडिकेट करता है। ब्लू कलर वाला ये पीस को इंडिकेट करता है। और ये दूसरा दो टिप देख रहे हैं, ये दो टिप हिमालय को इंडिकेट करते हैं। अगर ये फ्लैग को आप लोग ऐसे करेंगे तो ये हिमालय की तरफ शिव जी भगवान के इस तरह के रूप को काल भैरव बोला जाता है। और ये 15वीं सदी में काठमांडू के उत्तर की तरफ मिली थी ये बहुत बड़ी सी मूर्ति। और मल्ला राजवंशों के राजा प्रताप मल्ला का जो होता था उन्होंने यहाँ पर ला करके मूर्ति को स्थापित की। और उस समय से ये मूर्ति न्याय के मूर्ति के रूप में प्रख्यात हो गई, क्योंकि मल्ला राजवंश जब राज करते थे 12वीं सदी से 17वीं सदी तक, उस समय में न्याय के कोई भी जगह नहीं थी। जैसे शिव जी की एक रूप, अच्छा, और उस समय न्याय की कोई भी जगह नहीं होती थी, जैसे आज हम आप लोगों के पास है, जैसे कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायाधीश है, वकील है। उस समय कोई भी कुछ नहीं होता था, तो सोसाइटी में जब प्रॉब्लम होती थी उन तरह के प्रॉब्लम होने वाले लोगों को इस मंदिर के, इस मूर्ति के, इस भगवान के आगे ला कर के स्वेर कराया जाता था। और जो भी आदमी इस भगवान के आगे में झूठा स्वेर करता था तो वो ब्लड वोमिटिंग करके मर जाया करते थे। अच्छा, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये पीपल का दरख्त है और 350 साल पुराना है। और यहाँ पे जो हमारे टूर गाइड हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, उसी मंदिर में से, छोटा सा मंदिर होता था, उसी मंदिर में से ये दरख्त जो है ना निकला और ये बड़ा होता गया। और फिर क्या हुआ कि इसके अंदर जो है ना, ये हिंदू धर्म का मंदिर है, यानी कि एक ही दरख्त के अंदर हिंदू और बुद्धा के जो है, ये बुद्धा का है ये जो है आप देख रहे हैं, और ये हिंदू धर्म के हैं ये वाले जो हैं, यानी कि नेपाल के अंदर हिंदू और बुद्धा का जो है धर्म वो सभी को एक दूसरे को मानते और समझते हैं। ये जी यहाँ पे, और ये दरख्त जो 350 साल पुराना है, दरख्त के अंदर ही देख लें ये बुद्धा के पाँव के निशान आते हैं ये वाले जो हैं, ये अंदर से है पीपल की ये जड़ें हैं और ये सब हिंदू धर्म की जो मूर्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं। और बाहर से व्यू कुछ ऐसा है। इधर आ जाइए। तो आप लोग अभी कुमारी माता के मंदिर के अंदर में हैं, ये कुमारी माता वो ऊपर में रहते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बीच वाली खिड़की से दर्शन देंगे। जब कुमारी माता दर्शन देंगे तो फोटो खींचना मना है। तो कुमारी माता एक जीवित आदमी का एक छोटी सी बच्ची है और उनको माता के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। कुमारी माता का ये पोस्ट कार्ड यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, छोटी तो ये कुमारी माता थोड़ी देर के बाद उस बीच के खिड़की से दर्शन देंगे। जब दर्शन देंगे तो फोटो खींचना वीडियो बनाना मना है। तो ये एक ह्यूमन की
बच्ची हो गई देवी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। क्यों सेलेक्ट किया जाता है ये एक ह्यूमन बच्ची को देवी के रूप में? कारण यह है कि जब मल्ल राजवंशों के राजाओं राज्य करते थे 12वीं सदी से 17वीं सदी तक, उस राजवंश में एक ब्रिलियंट राजा, एकदम नॉलेजेबल चालाक राजा हुआ करता था। और वो राजा इस दरबार स्क्वायर के उत्तर की तरफ अवस्थित एक मंदिर, ऊंची सी मंदिर में जाया करता था। वो मंदिर को तलेजू मंदिर बोला जाता है, तुलजा भवानी के मंदिर। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये ट्रैवल व्लॉग देखा होगा। और बेसिकली ये ट्रैवल व्लॉग था, बट मैंने कुछ इसको स्प्लिट करके आपको मेन वो चीज़ें दिखाई जो आपको नॉलेज दे, मुझे भी नॉलेज दे, मुझे भी उस चीज़ के बारे में पता चले। बेसिकली ये पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर है जो दुनिया भर में जाते रहते हैं, और इसमें से एक तो मेरी सिटी का कराची का, मेरे दोनों मेरी सिटी कराची से। बात ये है कि ये मेरे ख्याल से 2 महीने पहले नेपाल गए थे, और नेपाल को विजिट करने के लिए, नेपाल को ट्रैवल करने के, ताकि एक्सप्लोर किया जाए। पाकिस्तानी लोग थे, इससे पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी गई थी, उनके बाद ये लोग गए थे। सो बेसिकली मैंने वो स्प्लिट एरिया तभी किया क्योंकि वो मुझे मजा नहीं आया, आप लोगों को भी शायद इग्नोर करते, बट ये मेन चीज थी जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि वो हिंदू जो धर्म के लोग थे उनको भी समझने के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें वो थी जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, हिंदू धर्म के बारे में बता रहे थे। जो लोग इंडिया से, जिन्होंने नेपाल जाके ये चीजें नहीं देखी, तो वो भी इस मेरे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं, मेरे इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बुद्धा को मानने वाले हैं वो इस उनको इस वीडियो में पता चला। बट बात ये करें कि काफी अच्छी तरीके से ट्रैवल गाइड ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि यार ये चीज है इतने साल पुराना है, इसकी इतनी साल उम्र है, ये इतनी चीज है। तो ये चीज मुझे काफी जबरदस्त लगी, और इस चीज को मैं ट्रैवल गाइड है उसको मैं काफी अच्छी तारीफ करना चाहता हूँ कि यार ये इसी तरह ट्रैवल गाइड को पता होना चाहिए कि यार ये चीज है। और नेपाल के अंदर ये मुझे बेसिकली मुझे यही लगता था और लग रहा है अभी भी कि मैं जाऊँ या कभी भी कोई जाए तो उसको ये ना हो कि यार वो उसको कोई हिंदी वाला ना मिले, क्योंकि हम तो हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर वीडियो बना रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा वाला मिले जो उर्दू हिंदी के अंदर बात करे ताकि हमें भी समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। आप लोग ब्लॉग कैसे लगा, वीडियो कैसे लगी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।